रायपुर में एक बार फिर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार यानी योगी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। कोर्ट ने यूपी के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ कोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना से निपटने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। कोर्ट ने कहा कि बड़े औद्योगिक घराने अपना दान करने वाला फंड वैक्सीन खरीदने में लगाएं। बीएचयू वाराणसी के अलावा गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ के मेडिकल कॉलेज को 4 महीने के लिए SGPGI स्तर का सुविधा युक्त बनाया जाए। सरकार 22 मई की अगली तारीख पर मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन प्लान को भी पेश करे। कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही को गंभीर मानते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 माह में प्रदेश के अस्पतालों के में चिकित्सीय ढांचा सुधारने और 5 मेडिकल कॉलेजों को SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। आपको बताते चलें कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बेहद नाजुक और कमजोर है। यह आम दिनों में भी जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महामारी के दौर में इसका चरमरा जाना स्वाभाविक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश के 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम में कम से कम 40% बेड ICU हो और इनमें 25% वेंटिलेटर होने चाहिए, बाकी 25% हाई फ्लो नस्ल बाईपाइप का इंतजाम होना चाहिए। 30 बेड वाले नर्सिंग होम में अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। प्रयागराज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ मेडिकल कॉलेजों को उच्चीकृत और SGPGI स्तर का संस्थान बनाया जाए और इसके लिए सरकार भूमि अर्जन के आपातकालीन कानून का सहारा ले और धन उपलब्ध कराए। बता दें कि इन संस्थानों को कुछ हद तक स्वायत्तता भी दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि गांव और कस्बों में सभी प्रकार की पैथोलॉजी सुविधा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेवल 2 स्तर की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। बी और सी ग्रेड के शहरों को कम से कम 20 ICU सुविधा वाली एम्बुलेंस दी जाए। हर गांव में 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए ताकि गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने यह सुविधा 1 माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।